पठानकोट के मलिकपुर चौक को अगर मौत का चौक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस चौक में 2 साल में 8 लोगों की सड़क हादसे में जान जा चुकी है। 2 दिन पहले 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों की सड़क हादसे में इस चौक पर मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस चौक पर ना तो लाइटें हैं और ना ही स्पीड ब्रेकर है। जनता की प्रशासन से गुहार है कि इस चौक में सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किया जाए। जब इस बारे में पुलिस प्रशासन से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि अब उनके पास पठानकोट में स्पीड रडार मौजूद है, जिसके जरिए हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड को मॉनिटर किया जा सकता है और नाकेबंदी करके जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है उनके चालान भी काटे जाएंगे। और हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट के मद्देनज़र पठानकोट पुलिस द्वारा स्टडी भी करवाई गई है और कई चौकों पर डार्क पॉइंट भी घोषित किया गया है। जब इस बारे में हल्का विधायक से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि रोड सेफ्टी मीटिंग जो है DC साहब इसमें काफ़ी गंभीर हैं रोड सेफ्टी को लेकर, तो हमने ये जो मुद्दा है रोड सेफ्टी का मुद्दा जो है DC और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी टेकअप किया है। और साथ में हम जो है क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है ओवर स्पीडिंग की वजह से भी हो रहे हैं, इसके लिए हमने जो है स्पीड रडार भी हमारे पास आ गई है और उसको हम ट्रेन करके जो है स्पीड रडार से भी जो ओवर स्पीडिंग हो रही है उसके भी की भी चलानिंग का भी करेंगे शुरू काम। और उसके साथ में हमारा ट्रैफिक एजुकेशन विंग जो है वो भी हम लोगों को हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में इस बारे में भी जागरूक कर रहे हैं ताकि पब्लिक जो है अवेयरनेस आए और जो है वो रेड सेफ्टी के जो नियम है उनका पालन करें ताकि पब्लिक जो है अपनी जान हादसों में ना गवाए। मैं जिले सुजानपुर का SHO प्लस कालमा का SHO प्लस DSP सुजानपुर के DSP देहाती का दोनों आदेश कर देते हैं और जोड़ा IRB वाले उन्होंने भी आदेश करते हैं कि उत्तर व्डी व्डी लाइटा दूजिया जो सिग्नल दिदिया ने वो जड़िया ने चार पासे लाइए जान वो थोड़े दिन तक लग जाएगी। दूजा मेरा ये भी विचार है सलाह मशुरा करे मैं DC साहब ने मिलना अच्छे बैरीकेड लगा के स्पीड जी स्लो की जाए